लहू बहा था किसी का, किसी ने सूली पे सांसें चढ़ाई थी। हंस कर जान दी है वीरों ने, यूं ही नहीं हमने आज़ादी पाई थी। आप सभी देशवासियों को थारू समाचार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये आज़ादी हमें बिना खड़ग और बिना ढाल के नहीं मिली है। बल्कि इसे पाने के लिए लाखों हिंदुस्तानियों का खून बहा था। दुख इस बात का होता है कि आज़ादी के उन मतवालों को यूं ही भुला दिया गया है। ये बात महान क्रांतिकारी कवि जगदम्बा प्रसाद मिश्र अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने लिखा है कि शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। हमारा भारत एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन आज भी यहाँ की व्यवस्था गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई है। वो सोच अभी तक जिंदा है जिसमें स्वदेश प्रेम का महत्व नहीं है। जब कोई स्वदेशी, देश प्रेम, राष्ट्र की बात करता है तो एक व्यवस्था में बैठे लोग उसे हीन भावना से देखने लग जाते हैं और वो आपको चुनौती देने लगेंगे। इस सोच का खात्मा करना जरूरी है, तभी हम सही मायनों में आज़ादी को महसूस कर सकते हैं। ये बात सोचिए, परखिए और तय कीजिए कि राष्ट्र विरोधी भावना को कैसे खत्म किया जाए। साथियों, इस साल हम अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। पूरी दुनिया में इस समय कोरोना महामारी का प्रकोप है, इसलिए देश आर्थिक संकट की स्थिति से गुजर रहा है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2020 की थीम आत्मनिर्भर भारत को रखा है। साथियों, इसी के साथ आपको पुनः मैं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।